ये तो कहते लचकल मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। हाय गाइस, दिस इज एल्विश यादव। दोस्तों हम लोग यहाँ पे CWL खेल रहे हैं वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर्स के साथ, स्टार्स गाकू क्लाउस के साथ, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ग्लोबल रैंक मारने की CWL के अंदर। तो कैसी चल रही है हमारी CWL? चलेंगे डायरेक्ट मैच के अंदर, हम लोग भी अटैक करेंगे और हमारे दूसरे प्रो प्लेयर्स के भी अटैक देखेंगे। तो भाई साहब ये चल रही है हमारी CWL यहाँ पे हर्षु किंगडम क्लैन के अंदर, स्टार्स मैं गाकू खेल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पहले तीन मैच हम लोग जीत चुके हैं और फिलहाल तो हम लोग पहले तीन मैच के बाद रैंक वन पे है। पहले मैच में 43, फिर 45, फिर 44 मारे पिछले मैच के अंदर, गाकू का अटैक फेल हो गया था। और फिलहाल अभी हम लोग इस मैच के अंदर नंबर एक के बेस के ऊपर चलने वाले हैं अटैक के लिए। ओके दोस्तों, ये वाली हमारी आर्मी रहने वाली है जो कि हम लोगों ने क्लाउस को देख के चूज करी है ये आर्मी। क्लाउस भी इसी सेम आर्मी के साथ अटैक करता है, तो सोचा चलो भाई क्लाउस की आर्मी एक बार कॉपी करके देख लेते हैं अपन लोग, क्या ट्रिपल होता है इस आर्मी के साथ या फिर मुश्किल पड़ेगा अपने को, देखते हैं। ओके चलो 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 चलो, बाप रे, देखते हैं गाइस जैसे क्लाउस इस आर्मी के साथ अटैक करता है क्या अपने से भी वैसे होएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन मैन, अभी तक तो सही जा रहा है भाई साहब। ओके यहाँ पे अभी हम लोग ओवरग्रोथ कर डालेंगे भाई साहब, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ओवरग्रोथ कर डाली। ओके रॉयल चैंपियन जाएगी यहाँ से, नाइस। चलो 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 कम ऑन, कितना टाइम खींच पाएंगे भाई? एक मिनट खींच पाएंगे क्या हम लोग इस आर्मी के अंदर? व्हाट डू यू थिंक, एक मिनट खींच जाएगा? चलो 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 आर्मी भागो भागो। अरे भाई साहब, अरे यार रूट राइडर का इफेक्ट खत्म हो गया, सॉरी ओवरग्रोथ का इफेक्ट खत्म हो गया। किंग है, सिंगल इन्फिर्नो है भाई साहब, क्वीन फंस गई वॉल के ऊपर। अरे देवा, बाप रे दोस्तों, इसमें यार हम लोगों को एक मिनट खींचना है, खींच पाएगा? और खींच गया भाई, एक मिनट खींच गया, मजा आ गया दोस्तों। अरे यार काफी ओपी आर्मी है, मजा आ गया इस आर्मी के साथ अटैक करके भाई, हम लोगों ने तो मार दिया इसमें ट्रिपल। अभी देखो भाई साहब, अभी हम लोग स्टार्स का अटैक देखेंगे, स्टार्स क्या करता है। ओके दोस्तों, स्टार्स भाई साहब आ चुके हैं यहाँ पे 7 lightning 1 earthquake स्पेल्स के साथ अटैक करने, और यहाँ से जैप कराए भाई मल्टी इन्फिर्नो, रेड स्पेल टावर को और रिकशे कैनन को। यहाँ पे डिप्लॉय करा है भाई साहब ने किंग को, क्वीन को टाउन हॉल कंपार्टमेंट के लिए, वेरी नाइस। आइस गोलम तो फट के फ्रीज हो गया, टाउन हॉल के पीछे यार इनविजिबिलिटी स्पेल टावर रखा हुआ है, तो भाई ये देखना पड़ेगा कैसे टाउन हॉल को फ्रीज करेगा शायद मेरे हिसाब से स्टार्स, या नहीं करेगा, फ्रीज नहीं करा भाई, किंग को भटकने दिया। अरे यार क्वीन के ऊपर टाउन हॉल लॉक हो चुका है, टाउन हॉल को कौन लेगा, क्वीन की एबिलिटी दब गई और क्वीन ही निकाल लेगी, वेरी नाइस। चलो भाई स्टार्स ने यहाँ से टेकडाउन कर लिया है टाउन हॉल को, उसके बाद ड्रिल मशीन दर दर मशीन डाल दी। ओके भाई साहब पीछे से देखो भाई, ड्रिल मशीन अकेली फनल बना रही है और मिनियंस क्लीन अप का काम कर रहे, लावा जायंट और रॉयल चैंपियन। वाओ, जायंट इसीलिए डाला क्योंकि रॉयल चैंपियन पे डायरेक्ट डैमेज ना आए, क्या बात है भाई। जायंट का इस्तेमाल भी देखो कितना प्यारा करता है स्टार्स यहाँ पे। दो मल्टी इन्फिर्नो स्कोर में बच चुके हैं दोस्तों, और ढेर सारे बलून्स यहाँ पे डाल दिए हैं स्टार्स ने, हेड हंटर्स को भी डाल दिया। ओके बुढ़ा बलून्स को फॉलो कर ले यार, कम ऑन बुढ़े, वेरी नाइस गोइंग, कम ऑन। अरे भाई बलून्स डाउन हो गए और हील टॉम इस्तेमाल कर रहा है स्टार्स, अरे वाह क्या बात है दोस्तों। रेज के अंदर देखो वहां पे रॉयल चैंपियन की एबिलिटी के साथ हॉक्स के बच्चे निकाल दिए भाई रॉयल चैंपियन ने, वेरी नाइस जॉब। अभी भी तीन बलून्स बचे हुए हैं स्टार्स के पास, एक फ्रीज है एक हेस्ट है, हेस्ट लगा के फ्रीज लगा दिया भाई साहब जिससे कि बलून्स तेज हो जाए और ये कंपार्टमेंट निकल जाए, वेरी नाइस यार, क्या बात है भाई क्या बात है भाई। आर्मी देखो स्टार्स की कितनी बची है इस बेस के ऊपर लावा लून के साथ, और टाइम भी भाई बहुत खींच लिया लावा लून के अंदर भाई, एक एक मिनट खींचना इज वेरी इंप्रेसिव, मजा आ गया दोस्तों, क्या ही अटैक करा है स्टार्स ने। दोस्तों अभी हमारी रैंक क्या है इस CWL के बाद लास्ट में देखेंगे। ओके भाई साहब, हमारी साइड से अगला अटैक स्टार्स भाई साहब आ चुके हैं और 39 हॉग राइडर्स भाई, स्टार्स तो लालो करता है, ये 39 हॉग राइडर कहां से लेके आ गया भाई। ओके देखते भाई हॉग अटैक में स्टार्स का क्या प्लान है इस बेस के ऊपर, एक अप्रेंटिस वार्डन भी रखा है, 39 हॉक्स है मेरे हिसाब से ना
टाउन हॉल में हीरो सुई होएगी, उसके बाद कुछ, अरे बाप रे फ्लिंगर डाला है, फ्लिंगर के साथ आई थिंक ये पूरा कंपार्टमेंट टेकडाउन करने की कोशिश करेगा स्टार्स, उसके बाद जैप कर दिया यहाँ पे, वेरी नाइस। अब हीरो सुई देखते हैं दोस्तों कहाँ पे होती है, 7 आर्चर्स लेके आ चुका है, वाओ 7 आर्चर्स डाल दिया, कुछ आर्चर्स यहाँ पे एक कंपार्टमेंट डाउन करा है जिसके अंदर स्टार्स को यहाँ पे एनिमी की क्वीन भी मिल चुकी है, इन्फेर्नो मिल चुका है, रिकशे कैनन मिल चुका है, क्या बात है भाई, आर्मी डाल क्यों नहीं रहा, टाइम जा रहा है भाई, स्टार्स भैया क्या कर रहे हो, ओ पेशेंटली अटैक कर रहा है स्टार्स यहाँ पे, वाओ। तो यहाँ पे देखो भाई मॉर्टर को डिस्ट्रैक्ट किया आर्चर्स के साथ, ओके नीचे की साइड पे बार्बेरियन किंग को उतारा गया है, वेरी नाइस जॉब, ओके क्वीन को उतारा गया है, क्या बात है भाई, ओके किंग अंदर की साइड पे चला गया, किंग तो निकाल ही लेगा भाई पूरी वैल्यू यहाँ से, और क्वीन बेस के बाहर है, क्या बात है दोस्तों। जायंट को डिप्लॉय कराए जिससे कि वो जो मल्टी आर्चर टावर का डैमेज है ना वो थोड़ा सा ना स्प्लिट हो जाए और थोड़ा नॉर्मल काम करेंगे मल्टी आर्चर टावर, वरना तो पता है कितना गंदा डैमेज करती है मल्टी आर्चर टावर भाई। फ्लेम फ्लिंगर तो अपना काम कर रहा है भाई, पूरा कंपार्टमेंट खा गया फ्लिंगर उधर से, किंग भी अपना कंपार्टमेंट खा चुका है पूरा, दोनों के दोनों मल्टी आर्चर टावर मिल चुके हैं स्टार्स को यहाँ पे, टाउन हॉल मिल चुका है, दो मल्टी तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउन हो ही चुके हैं, टाउन हॉल डाउन, दोनों मल्टी आर्चर टावर भी डाउन, सीसी भी लूर हो चुकी है, पॉइजन डाल दिया है सीसी के ऊपर, 1:30 का वक्त बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 40% प्लस की वैल्यू निकाल दी है, ओके हॉगिंग चालू कर दिया ऊपर से अप्रेंटिस वार्डन रॉयल चैंपियन के साथ, अरे 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 बुड्ढे की एबिलिटी दे दी, अरे बाप रे हॉक्स के लिए रेज उतार दिया भाई साहब, नेक्स्ट लेवल भाई। फ्लिंगर के अंदर भाई सुपर मिनियंस इस्तेमाल करें, कुछ हॉक राइडर्स नीचे की साइड से भी डिप्लॉय करें भाई साहब ने, और खत्म हो गया भाई, हॉक्स ने क्या ही मतलब तेजी से बेस को उखाड़ के फेंका है भाई, मजा आ गया यार भाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी ना इस अटैक के अंदर वो था किंग क्वीन की वैल्यू, फ्लिंगर की वैल्यू और लाइटनिंग की वैल्यू, उसके बाद स्टार्स ने हॉक्स का इस्तेमाल ऐसे कराए जैसे कि भाई हॉक्स ने मतलब दुनिया हिला दी भाई, पूरे बेस की अलग चीज कर दी हॉक्स, देखो भाई 2 दर्जन के ऊपर हॉक्स बचे स्टार्स के पास, नेक्स्ट लेवल अटैक कर दिया भाई। ओके दोस्तों अगेन हमारी साइड से यहाँ पे स्टार्स भाई साहब आ चुके हैं अटैक के लिए, और इस बार स्टार्स 10 सुपर बार्बेरियन, 8 रूट राइडर, 8 वैल्करी, 1 रूट राइडर स्पेल, आई मीन ओवरग्रोथ स्पेल, ओके भाई डायमंड शेप बेस है लेकिन उसके अंदर भी सेंटर में टाउन हॉल है, अरे बाप रे डायगोनल शेप में अटैक हो रहा है ये तो, डायगोनल में वाह 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 वाह। किंग उतार दिया, क्वीन को मेन आर्मी के साथ डाला है, किंग बेस के बाहर जा रहा है, ओके रेज उतार दिया भाई, टाउन हॉल के वहां पे इनवी है, पॉइजन स्पेल टावर है, दिक्कत ना आ जाए भाई कहीं पे, पेक्का तो अच्छा काम कर रहे है भाई। रूट राइडर डाला गया है यहाँ पे नीचे वाली साइड पे क्वीन के पास, टाउन हॉल कंपार्टमेंट में पूरी आर्मी चली गई और टाउन हॉल को ही ओवरग्रोथ कर दिया भाई साहब ने यहाँ पे, ये क्या था भाई, अरे वाह क्वीन के साथ इधर से देखो कितनी अच्छी वैल्यू मिलेगी, किंग की एबिलिटी मार दी, टाउन हॉल के पास रॉयल चैंपियन है तो शायद टाउन हॉल को निकाल दे, पर टाउन हॉल गायब हो चुका है, फ्रीज लगा दिया भाई, भाई किंग की एबिलिटी जा चुकी है, सिर्फ रॉयल चैंपियन बची है भाई साहब, ये क्या हो रहा है भाई इस अटैक के अंदर, 2 वैल्करीज भी बचा के रखी है, अरे बाप रे ओवरग्रोथ का इफेक्ट खत्म हो गया, रेज है 2 फ्रीज है, रेज उतार दिया भाई साहब ने, फ्रीज लगा दिया यहाँ पे, अभी भी 1 रेज बचा हुआ है स्टार्स के पास, अरे भाई साहब खतरे में लग रहा है ये वाला अटैक, खतरे में लग रहा है भाई साहब, देखते हैं क्या होता है, अरे बाप रे सारे के सारे हॉक्स मर गए, क्वीन तो भाई अपनी हेल्थ रीगेन कर चुकी है रेज के अंदर, घोड़ा है रेज के अंदर और रीगेन कर चुकी है अपनी हेल्थ भाई साहब, एक टाइम पे तो देख के लग रहा था कि अटैक फेल हो जाएगा बट अटैक ट्रिपल हो गया ये, और टाइम देखो भाई स्टार्स ने कितना खींचा है, मजा आ गया, ये वाला हिट भी ट्रिपल हो गया। ओके दोस्तों हमारी साइड से स्टार्स भाई साहब वापिस कूद चुके हैं मैदान में, और ये वाली तो वही आर्मी है लेकिन इस बार भाई क्वीन को पहले उतारा, ये क्या मसला है भाई क्वीन को पहले उतारने का, सबसे पहले क्वीन के साथ टेकडाउन किया जा रहा है किंग को, और 15-20 सेकेंड तो यहाँ पे क्वीन ने ले लिए, और उसी के साथ रूट राइड डाल के अप्रेंटिस वार्डन सारे के सारे डिप्लॉय कर दिए भाई साहब ने अपने वैल्करीज, किंग को बेस के बाहर, क्वीन को बेस के बाहर, तो मेन आर्मी के साथ कौन है, मेन आर्मी के साथ एक ही इंसान है वो है बुड्ढा, क्या बात है। सीसी के अंदर से सुपर मिनियंस निकल चुके हैं, स्टार्स ने यहाँ पे अर्ली बुड्ढे की एबिलिटी के अंदर भाई रेज डाल दिया भाई,
बहुत तबाही मच रही है यार, नेक्स्ट लेवल। किंग की भी बहुत जल्दी एबिलिटी दे दी यहाँ पे स्टार्स ने, भाई क्या ही चल रहा है यहाँ पे भाई। पहले 20 सेकंड तो देखो स्टार्स ने यहाँ पे क्वीन के ऊपर लगा दिया, तो कितना टाइम खींच पाएगा फिर भी, क्या लगता है? अरे भाई साहब, पूरा का पूरा टाउन हॉल वाला कंपार्टमेंट गायब कर दिया ओवरग्रोथ स्पेल के साथ। सुपर बारबेरियंस भी डिप्लॉय करना चालू कर दिया है, सुपर वैल्करीज आ चुकी है सीसी के अंदर से, क्वीन अच्छा काम कर रही है, रॉयल चैंपियन अच्छा काम कर रही है, टाउन हॉल कंपार्टमेंट भाई साहब लास्ट में बचेगा, आर्मी रुक ना जाए भाई स्टार्स की, मेरे को ऐसा लग रहा है। आर्मी ले भाई रुक गई, आर्मी रुक गई भाई। रेज फ्रीज, और रे भाई साहब, गाइज नेक्स्ट लेवल चीज करिए भाई स्टार्स ने। पहले 20 सेकेंड जाने के बावजूद डेढ़ मिनट में ट्रिपल कर दिया भाई इस बेस को वापिस। दोस्तों हमारी साइड से स्टार्स भाई साहब आ चुके हैं अभी अटैक के लिए, और यहां पे भाई साहब 3 स्केलेटन स्पेल्स का इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी ओवरग्रोथ स्पेल्स नहीं है यहां पे। अरे बाप रे, ये क्या चीज का, अरे 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 अरे, अरे क्वीन को डाला। अरे भाई साहब ये क्या है, क्वीन मेन आर्मी के साथ जा रही है, किंग बाहर जा रहा है, एसबी के ट्रूप्स बाहर जा रहे हैं, वैल्करीज अंदर जा रही है। अरे वाह, ये थोड़ा अलग प्लान के साथ अटैक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ओवरग्रोथ नहीं है स्टार्स के पास भाई साहब। रेज लगा दिया बुड्ढे की एबिलिटी, 2 रेज लगाए भाई एक साथ, किंग अंदर घुस चुका है। अरे वाह क्या बात है, सीसी के अंदर से आइस गोलम्स निकल चुके हैं, टाउन हॉल वाला कंपार्टमेंट पीछे है, और इनविजिबिलिटी स्पेल टावर है। फ्रीज लगा दिए भाई साहब ढेर सारे भाई, ये तो यार रेसिंग गेम चल रही है भाई, कि कौन सबसे पहले ट्रिपल मारेगा, नेक्स्ट लेवल ही चीज हो गई है यार। अरे भाई साहब इतने सारे रूट राइडर्स बचे, मेरे को तो लग रहा है इस बेस का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है भाई, बहुत आर्मी बची है, स्पेल्स भी बच चुके हैं, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी है अभी भी, क्वीन के पास एबिलिटी है, टाउन हॉल को फ्रीज कर दिया। ले भाई भाई ये वाला बेस स्टार्स ने कितना जल्दी जल्दी खत्म करा है यार, टाइम देखो भाई तुम लोग, इतना जल्दी जल्दी कैसे खत्म कर रहा है भाई ये बंदा, नेक्स्ट लेवल भाई, मजा ही आ गया यार। 1 मिनट 38 सेकंड बचा है, मतलब 1 मिनट 22 सेकंड में ट्रिपल मारा है। अभी भाई साहब हमारी साइड से गाकू आ चुका है अटैक के लिए, और अगेन गाकू इज ऑल्सो डूइंग सेम आर्मी। अरे बापरे, गाकू ने यहां पे स्टार्टिंग में एक स्केलेटन स्पेल इस्तेमाल करा है, जिससे कि मोनोलिथ डिस्ट्रैक्टेड रहे, वेरी नाइस। एक अर्ली रेज भी डिप्लॉय कर दिया था वहां पे, ओके। अरे बापरे, रेज स्पेल टावर गिर चुका है, टाउन हॉल वाला कंपार्टमेंट बहुत हेवी है, गाकू क्या पूरा टाउन हॉल कंपार्टमेंट ही कर देगा ओवर ग्रोथ, मेरे को तो ओ भाई कर लो बात, पूरा कंपार्टमेंट तो नहीं लेकिन पीछे वाला एरिया करा है टाउन हॉल को छोड़ के, टाउन हॉल भी उसमें गायब हो चुका है, ओके। सारे के सारे आइस गोलम अभी फट के फ्रीज होने का काम करेंगे भाई, सीसी के अंदर वैल्करीज़ ही यूज़ करता है गाकू ज़्यादातर, स्टार्स भी वैल्करीज़ इस्तेमाल करता है। सुपर बारबेरियंस यार क्लीनअप के लिए आ भी चुके हैं भाई, कितना तेजी से अटैक कर रहा है गाकू भी। बोल रहा है भाई अभी मैं करूंगा सबसे तेजी से ट्रिपल, भाई रेसिंग गेम चल रही है सबके बीच में कि कौन करेगा सबसे तेजी से ट्रिपल, ट्रिपल तो हो ही रहे भाई सबके, और सबसे तेज कौन कर रहा है, मेरे हिसाब से गाकू ने ये बहुत ज़्यादा तेज कर दिया। 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर कर देगा क्या, बिल्कुल 1 मिनट 15 सेकंड में ट्रिपल मार दिया गाकू ने। आओ भाई साहब, अगेन गाकू आ चुका है अटैक के लिए, और इस बार भाई ये डायमंड स्टाइल बेस है जिसमें सेंटर में टाउन हॉल है, और वॉल ब्रेक दिया गया है क्वीन के लिए, एसबी भी उधर ही चढ़ाल दिया मेन आर्मी के साथ, पेक्का बाहर निकल चुका है, एक पेक्का बाहर है, एक पेक्का मेन आर्मी के साथ है, ओके। रेज उतार दिया, वार्डन की एबिलिटी कब आएगी, आ गई, वाओ, ओके। ओवरग्रोथ लिया है, अब ओवरग्रोथ क्या करेगा, टाउन हॉल वाला कंपार्टमेंट ही करेगा मेरे हिसाब से, देखते हैं क्या होता है। वापिस रेज उतार दिया, ओके। ले भाई साहब नेक्स्ट लेवल की वैल्यू ओवर ग्रोथ कर दी, रॉयल चैंपियन को उतार दिया है यहाँ पे, वेरी नाइस जॉब। रूट राइडर्स है, क्वीन अंदर जा रही है कि बाहर आ रही है, अंदर चली जा, अंदर चली गई क्वीन। वैल्करीज आ चुकी है सीसी के अंदर से, रॉयल चैंपियन आ चुकी है पीछे, क्लीन अप चालू कर दिया गाकू ने यहाँ पे, एक स्केलेटन, एक रेज, एक फ्रीज, किंग की एबिलिटी, क्वीन की एबिलिटी। अरे भाई साहब ओवरग्रोथ इफेक्ट खत्म हो गया, रेज उतार दिया भाई किंग के ऊपर, भाई ये वाला बेस भी बहुत जल्दी जल्दी, अब भाई साहब मजाक से हट के सबसे ज़्यादा तेज तो गाकू अटैक कर रहा है भाई, 1 मिनट 15 सेकंड में उड़ा दे रहा है भाई,
ये वाला बेस भी 1 मिनट 16 17। अरे यार टेस्ला रह गया कॉर्नर टेस्ला, स्टार्टिंग में ही एक डाल देता वहां पे सुपर बारबेरियन, तो ये भी 1 मिनट 15 सेकंड में उड़ जाता। पर चलो 1.5 मिनट के अंदर निपटा दिया गाकू ने इस बेस को भी। वापिस हमारी साइड से गाकू आ चुका है अगेन विथ सेम आर्मी। दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी गेम, दिस इज अ रेसिंग गेम, लेट्स गो। देखते गाकू अभी क्या अपना ही रिकॉर्ड बीट कर पाएगा 1 मिनट 15 सेकंड का इस CWL के अंदर। बाकी तो गाकू का इससे अच्छा रिकॉर्ड होगा, पर इस मैच के अंदर 1 मिनट 15 सेकंड गाकू का अच्छा रिकॉर्ड है। तो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे लगातार भाई साहब पूरी आर्मी डाल दी भाई। यहाँ पे आइस गोलम्स आ चुके हैं, आइस गोलम्स तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं इस आर्मी के अंदर, टू बी ऑनेस्ट टाइम मतलब वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। और ये गाकू है भाई, गाकू कर देगा। अरे बाप रे ओवरग्रोथ कर दिया, वेरी नाइस ओवरग्रोथ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ओवरग्रोथ हो चुकी है। यहाँ पे टाउन हॉल कंपार्टमेंट में बस एक पेक्का गया है, लेकिन वो भी मर जाएगा। वैलकरीज जा चुकी है, रेज लगा दिया, फ्रीज लगा दिया मोनोलिथ के ऊपर भाई। पहले 40 सेकंड के अंदर 2 स्टार 50% निकाल लिया गाकू ने। ओके रेज लगा दिया है क्वीन के ऊपर। ओके ऊपर की साइड पे सुपर बारबेरियंस आ चुके हैं, किंग क्वीन आरसी एबिलिटी है, स्पेल्स भी ढेर सारे हैं। ले गया क्या गाकू? क्वीन ऊपर जा, ईगल में चली जाइए क्वीन। क्वीन पागल हो गई है, बोल रही नहीं जाऊंगी, चलो चली गई ईगल में, वेरी नाइस। रेज जो बचा है शायद क्वीन के ऊपर आना चाहिए, बिल्कुल ओके। क्वीन की एबिलिटी आ चुकी है और ये वाला बेस 1.5 मिनट के अंदर तो निपट ही जाएगा भाई। 1 मिनट 40 बचा, 1 मिनट 39 38, कमॉन कमॉन 1.5 मिनट के अंदर होएगा ना, हो जा, हो गया डॉट 1.5 मिनट के अंदर ये वाला बेस भी ट्रिपल हो गया। और भाई साहब इसी के साथ हम लोगों ने इस मैच में 45 स्टार्स मार दिए, मतलब ये वाली मैच हम लोग जीत चुके हैं और रैंक हमारी फिलहाल रैंक 1 चल रही है। अभी भी हमारे 3 मैचेस बचे हुए हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।